हाँ दोस्तों, जंगल में आग कैसे लगती है, आग बुझाना और आग का समन करना। हम इस समय जंगल के रास्ते चल रहे थे तो यहाँ वन विभाग के लोग हैं और यहाँ आग लगी है। आग को कंट्रोल कैसे करना है और पौधों को वृक्षों को बचाना कैसे है। देखिए इधर भी एक इधर पत्तों को एक तरफ कर रहे हैं, क्या कंट्रोल बर्निंग मतलब आग, ये फायर सीजन शुरू होने से पहले हम लोग निरंतर दहन करते हैं पत्तों का। अच्छा, रोड साइड के हम पट्टी जलाते हैं ताकि अच्छा। सड़क की आग जंगल में ना घुसे, इससे हम सड़क की आग जंगल में ना घुसे और जंगल की आग सड़क तक ना जाए। ये भी तो है, ये भी होता है। आप बगल में यह सड़क का पूरा हम फुकान करते हैं समय से, समय समय। अच्छा, जब पत्ते गिरते हैं तो समय कंट्रोल बर्निंग करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए आप, जैसे उन पौधों को भी नुकसान होगा इस आग से? पेड़ों को नुकसान नहीं है इसमें। क्यों? जैसे वहाँ तने तक जाएगा नहीं, आग लगेगी तो देख लीजिए नुकसान नहीं है। पत्तों की क्वांटिटी इतनी नहीं रहती है तो वो तनों हल्के रहते हैं। नुकसान कब होता है? जब क्रॉन फायर चल रहा हो, पत्तों को नुकसान नहीं, उससे नुकसान वृक्षों को नहीं। हम जलाएंगे क्योंकि ह्यूमन पे जब आग आती है, ह्यूमन तो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, पर हमारे एनिमल, हमारे ट्री, हमें उनको इस तरीके से बचाना होता है क्योंकि एनिमल तो नहीं जा पाएंगे कहीं। और इनका जो लेवल होता है इन पत्तों का, ये बहुत कम होता है, वो हमारे बड़े पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। करी इसलिए जाती है पहले ना, या तो हाथी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ हम है। जी जी, नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, हाथी बहुल्य क्षेत्र आगे है। और अभी हम देख के आते हैं पहले, पूरा अच्छा, पूरा सर्वे करके आते हैं कि कोई एनिमल तो नहीं है, कोई एनिमल तो नहीं है यहाँ, उसके बाद हम स्टार्ट। अच्छा, इस जंगल में क्या क्या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगल चीतल है, स्पॉटेड डियर से नील गाय है, सांभर है, लगभग सभी है, लेपर्ड है, लेपर्ड भी है। और इधर सड़क पर भी आ जाते हैं? आ जाते हैं, कैजुअल्टी होती है, हो जाती है कई बार, हम अंदर जंगल में खदेड़ते हैं उनको फिर। अच्छा, आप वन विभाग में क्या है? मैं यहाँ पे वन बीट अधिकारी हूँ ऋषिकेश में, वन आरक्षी है। बहुत बढ़िया। और आप मैडम? वन आरक्षी हैं। आप भी आरक्षी हैं? वन आरक्षी। तो ये निरंतर धान अपनी देख रेख में करते हैं ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो। अच्छा, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है? मान लीजिए अगर मान लीजिए अपना कंट्रोल हो जाए, हम टैंकर मंगवाते हैं। तो टैंकर तो अभी नहीं है? नहीं सर, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता, नहीं हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास स्टार्ट करते हैं यहां पे खाली रहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि उसके लिए एहतियात के तौर पर तो पानी होना चाहिए। जी सर, पानी से ज्यादा क्या है इसका, क्या है मानक? ब्लोअर है सर, हमारे पास ब्लोअर है और पत्तों के लेवल बहुत कम, लाइन काट देते हैं तो आप ना भी जाती है। अच्छा, अभी आपको डेमो दिखा देंगे, अभी हम दिखाइए, दिखा रखा है ये देखो। आधा लाइन काट दो, अभी आप लाइन काट दो, यहां से इधर लाइन काट दो बंदे। देखिए लोग डेमो दिखा रहे हैं, लाइन पहले ही कटी रहती है तो उसके बाद ही आग लगाते हैं। यहां जा के ए ए जरा लाइन काट दो, दे बस अभी ओए इधर आ जा यार, एक मिनट। अरे लाइन काट, यहां से लाइन काट के दिखा दे, ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दो, ठीक है यहां पे काट दो, क्या काट दो। दिखाया लाइन काट करके कि यहाँ ऐसे कर दिया तो इसमें पत्ते नहीं रहेंगे, आग उधर नहीं जाएगी, ऐसा किया इन लोगों ने। तो जंगल की आग अगर लग जाती है कैसे बुझाते हैं आप लोग, क्या करते हैं? मैन पावर रहता है बस, मैन पावर रहता है और क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? पानी पुनी लेके चलते हैं। अच्छा, ज्यादा भीषण लग जाए तो, कई चीजें होती है, ज्यादा भीषण लग जाए तो फिर हम गाड़ी बुलवाते हैं। अच्छा, फायर ब्रिगेड की। लेकिन पहाड़ वहाड़ अगर है तो वहाँ गाड़ी कैसे? मैनुअली करना पड़ता है फिर तो मैन पावर पहाड़ में उतरना पड़ता है, आगे झाड़ू से आप झापा मारना पड़ता है, आगे इक्विपमेंट होते हैं, रैक होती है। यहाँ कोई झाड़ू वाड़ू रखे हैं अगर अगर मान लीजिए वर्क करना हो? हाँ, झाड़ियाँ है इससे तो बुझेगा नहीं, हम झाड़ी तोड़ लेते हैं झाड़ियाँ। अच्छा, झाड़ी तोड़ते हैं, हरी झाड़ी से आग लगी लगेगी तो कुआं थोड़ा ही खोदा जाएगा, कुआं खोद के पहले से तैयार रखना पड़ेगा पानी। हम इक्विपमेंट है हमारे पास, यहीं चलिए हम इस पर बुझाते हैं आप कि आप अगर आग लगे तो ऐसे आग बुझाया जाएगा। अब उसके उधर जाने लायक भी नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आग का असर यहाँ तक है। टेक्निक होती है हर चीज, टेक्निक होती है, वो एकदम आग में जाएंगे तब तो हर किसी को दिक्कत ही होगी। हमारा स्टाफ, हमारा स्टाफ फुल ट्रेंड होता है, ट्रेंड होते हैं तो पता है। एक बार दिखाइए, दिखा दो।
आग बुझाने का डेमो दिखाएंगे। अभी आग वहाँ है तो यही लाइन काट देंगे, तो फिर ना हमें नुकसान होगा ना आग भी बुझ जाएगी। लाइन काटने का मतलब ये होता है सर कि जहाँ ये पत्ते हैं इससे सर ये बेनिफिट हो जाएगा हमारा, तो इधर कहाँ आएगी आग, इधर नहीं आएगी, इसलिए पहले ही लाइन काट देते हैं। अच्छा। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी खतरा है, तो इसलिए यही थोड़ी सी दूरी पे ही लाइन काट देते ताकि वो इधर ना आए। आग ट्रेंड होते हैं सर, कंट्रोल बर्निंग कहते हैं इसको। अच्छा, तो वह देखिए तोड़ रहे हैं हरे हरे पत्तों को और आग बुझाने का तरीका बताएंगे। आइए, हम लोगों की वजह से कितनी वनस्पतियों का नुकसान हुआ इसको मूल, उसके मूल में तो हम लोग हैं, हम लोग ऐसा किए हैं। चलिए अब दोस्तों एक सवाल आप सभी से, जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं, क्या इन पत्तियों का जलाने के, जैसे कार्बन उत्सर्जन होगा जलाने पर, क्या इन पत्तियों का खाद बनाया जा सकता है, क्या इन पत्तियों को और उपयोग में लाया जा सकता है? यदि हाँ तो आप अपनी राय दें और यह राय हम भारत सरकार को भेजेंगे। हम उत्तराखंड में इस समय है, ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है, और क्या यह नहीं लगता कि यह पत्तियां खाद अगर बनेगी तो खेतों में जाएगी और काम करेगी? क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन तो होगा, धरती इसे गर्म होगी जी, और सूरज और भी आग उगलेगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज अनुराग सिंह ठाकुर आरक्षी हैं आप? नहीं, पीआरडी जवान है, पीआरडी यहाँ के पीआरडी जवान है, और यह दोनों लोग आरक्षी। आप क्या हैं भैया? ये वन प्रहरी, वन प्रहरी, वन प्रहरी है। आप कुछ लगाए उगाए नहीं? इतना भूल जाता है, लगाते हैं लेकिन होती है, काम तो थोड़ा निकाल दिया, और भी फेफड़ा में जाएगा तो और भी घुटन होगी, इसलिए लगा के करना है, इतना धूल उड़ता है। क्यों मैडम? चलिए, आप सभी को शुभकामना, और मैं इस पर सरकार को भी लिखता हूँ। धन्यवाद, सादर आभार।